देख सकते हैं यहाँ पर बेल की, पत्ता गोभी की और सेम की कुछ अलग अलग प्रजातियाँ हैं जो हमें आम बाज़ारों में देखने को नहीं मिलती हैं। तो आइए ज़रा जानते हैं इनके बारे में। सर थोड़ा सा इसकी खासियत हमें बताइए। ये देखिए सेम है जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में एक डाइवर्सिटी है सेम की भी, ठीक है। तो विभिन्न जगहों पर अलग अलग तरीके की सेम होती, तो उनको हमने एक कंजर्व किया है अपने केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेम्स हैं, कुछ में अलग अलग कंटेंट्स हैं, कुछ एंथोसाइनिन्स हैं, कुछ अलग टाइप की। जैसे तो पर्पज़ हमारा ये है कि इसमें वेजिटेबल के रूप में उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी हम एक जगह पे दे सकें जी। अच्छा, आमतौर पे हम देखते हैं सेम जो है वो हरे रंग की होती है, ये बैंगनी रंग की क्यों है सर? जी जी, इसमें एक पिगमेंट रहता है एंथोसाइनिन, वो डेवलप हो जाता है। अच्छा, तो जी क्या ये फायदेमंद होता है? हाँ, फायदेमंद रहता है ये। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है जी। अच्छा, ये पत्ता गोभी जो है, पत्ता गोभी भी आमतौर पर हरी होती है, ये फिलहाल बैंगनी मुझे दिख रही है। तो इसमें भी वही पिगमेंट है जो एंथोसाइनिन डेवलप हो जाता है मैडम इसमें, तो ये भी बाजार में देखने को नहीं मिलती है। बाजार में आ रही है, अब शुरू हो गई, फार्मर इसको ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, और उगा रहे हैं और उनको जो नॉर्मल पत्ता गोभी से अच्छा इसका प्राइस मिल रहा है उनको। अच्छा, तो ऐसे अगर इंटरक्रॉप के रूप में या हम थोड़ी सी मल्चिंग के साथ में इसको ग्रो करते हैं तो वो ज़्यादा इनकम इसको ले सकते हैं। और अर्ली अगर करेंगे, मार्केट में पहले पहुँचाएंगे तो इसका दाम जो है वो अच्छा मिल जाता है, तो वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं फार्मर। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेल है ना? जी जी बेल। हाँ, बेल है। इसकी साइज आप देख सकते हैं, जो आम बेल होता है उससे काफी बड़ी साइज है। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आखिर क्या खासियत है इस बेल की? इस बेल में मैडम एक तो साइज है, ठीक है, ये एक राउंड शेप में रहता है जी। करीब 2 किलो के आसपास वजन इसका है। दूसरा एक ये ओवल शेप में है, अंडाकार में, करीब 1 किलो वजन का रहता है। इस खासियत इसमें ये है कि पल्प पोर्शन ज्यादा है, मतलब गूदा जो है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू जो नॉर्मल वैरायटी उनके अपेक्षाकृत। दूसरा सीड इसमें कम है, तो ये प्रोसेसिंग के पर्पस से अच्छी वैरायटी है। तो प्रोसेसिंग के लिए हमें पल्प ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसी का हमें स्क्वैश बनाना है, जूस बनाना है, मुरब्बा बनाने, तो जितना अच्छा पल्प होगा, पोर्शन ज़्यादा होगा, तो उतना ही अच्छा हमारा वो। किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा अगर वो इसको अपने आम को? ये प्रोसेसिंग पर्पस से है तो किसानों को इनके रेट उनको अच्छा मिलेगा अगर यही वैरायटी देंगे तो। और लागत सर? लागत जो है वो नॉर्मल जैसे आप ग्रो करते हैं, और ये तो इसके लिए कोई ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये जो नॉर्मल भूमि है उसमें ही हो जाता है। अच्छा, इसके लिए ना ज़्यादा खाद ना ज़्यादा पानी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक बेकार सी भूमि है जो है, जैसे उशरीली भूमि या रेवाइन टाइप की वो भूमि होती, तो उसमें ये आराम से कोई नॉर्मली उगाना चाहे तो आप वैसे तो कल्टीवेशन के रूप में उगा सकते हैं, या मेड़ पे किनारे किनारे लगा सकते हैं। जो मेन क्रॉप ले रहे हैं उनके साइड में हम मेड़ पे लगा के भी कर सकते हैं, तो जो मेन क्रॉप भी ले सकते हैं साइड में, ये हम बेल भी ले सकते हैं। ये हमारा संस्थान है केंद्रीय उपोष्ट बागवानी संस्थान, ये लखनऊ में रहमान खेड़ा में स्थित है। लखनऊ से करीब 25 किलोमीटर दूर है। इसका मुख्य काम है जो फलों के, आम, अमरूद, आंवला, बेल, माइनर फ्रूट, जामुन पे मतलब काम करते हैं। इसका प्रोडक्शन प्रोटेक्शन और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो इसको मतलब हम प्रोडक्शन से लेके इंड तक जो ना पौधे बना के किसानों को जो ना देते हैं। हमारे संस्थान के जो पौधे बहुत मतलब ऑल ओवर इंडिया में, अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट, साउथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, हरियाणा, मतलब नॉर्थ में सब जगह मतलब जाते हैं। और हम देखते हैं कि स्टॉल्स में यहाँ पर कुछ जो है वो इस तरह के यंत्र रखे हुए हैं जिनसे शायद ये इंसेक्ट्स को जो है वो जो फसलों में लग जाते हैं उनको हटाने के लिए, थोड़ा सा हमें बताइए इसके बारे में। हाँ, इसमें ये इंसेक्ट ट्रैप है, इसमें जो फसलों में जो फलों में जो इंसेक्ट लगते हैं उनको रिड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ट्रैप ल्योर होता है जिसकी वजह से जो मेल इंसेक्ट हैं वो ट्रैप होके अंदर चले जाते हैं। मतलब ये ऐसा क्या होता है इसमें जिसकी वजह से जो है वो ट्रैप हो जाते हैं? ल्योर एक सिस्टम होता है, ल्योर मीन्स जो मेल फीमेल का जो ना फीमेल का सुगंध जो है ना फीमेल का वो ल्योर होता है वो इसमें लगा देते हैं, जिसकी वजह से नर जो ना मेल फीमेल मेल अट्रैक्ट होकर इसमें ट्रैप हो जाते हैं, बस वही है। अच्छा, तो और भी इसको 15-20 दिन में जो अंदर ल्योर है वो चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हाँ 15-20 दिन में इसको चेंज करते हैं क्योंकि उसका जो सुगंध है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है और एक महीने तक टिकाऊ रहता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम और भी चीज़ें देख रहे हैं जैसे कि ये और भी, जैसे एक आम में जो है जैसे बहुत सारे पुराने पौधे उसमें जाला लगता है, जाला लगने से क्या होता है बहुत सारे उसकी फोटोसिंथेसिस कार्य करने की प्रणाली से लाइट है वो कम हो जाती है, इंसेक्ट
जो ना कीड़े मकूड़े भी मतलब काम करते हैं। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।